अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम गुनेड्स को एज अ ग्लैंड स्टडी करेंगे, यानी गुनेड्स कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं और उन हार्मोन्स के आपकी बॉडी के अंदर फंक्शन क्या होते हैं। सो गुनेड्स को जब हम देखते हैं तो गुनेड्स दो टाइप्स के होते हैं, एक मेल गुनेड्स जिन्हें टेस्टिस कहा जाता है और सेकेंड फीमेल गुनेड्स जिन्हें ओवरीज कहा जाता है। सो मेल हैव पेयर ऑफ टेस्टिस एंड फीमेल हैव पेयर ऑफ ओवरीज, टुगेदर दे आर कॉल्ड गुनेड्स। ठीक है, सो मेल गुनेड को पहले देखते हैं, टेस्टिस को पहले देखते हैं। टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं और ये राउंड से होते हैं। अगर डिटेल से देखें तो इनकी डिटेल स्ट्रक्चर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे, बट यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि टेस्टिस को जब हम काट कर अंदर से देख रहे हैं तो टेस्टिस के अंदर कुछ ट्यूब्यूल्स ही आपको नजर आ रही हैं, हाईली कॉइल ट्यूब्यूल्स। इन ट्यूब्यूल्स को कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहा जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो मेल हार्मोन की प्रोडक्शन करते हैं और उन सेल्स को कहा जाता है लेडिक सेल्स। सो हेयर आई एम गोना राइट इट, लेडिक सेल। सो लेडिक सेल्स क्या कर रहे हैं? मेल हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। मेल हार्मोन को क्या कहते हैं? एंड्रोजन। सो लेडिक सेल बेसिकली एंड्रोजन की प्रोडक्शन करेंगे और एंड्रोजन को स्पेसिफिकली हम क्या कह रहे होते हैं? टेस्टोस्टीरोन। और टेस्टोस्टीरोन को हम मेल हार्मोन कहते हैं। सो हेयर यू हैव योर टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में कुछ लेडिक सेल्स होते हैं और लेडिक सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टीरोन। बट ये हार्मोन अपने आप सिक्रेट नहीं होता, इसको स्टिमुलेट करने वाला एक और ग्लैंड है आपकी बॉडी के अंदर जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। सो हेयर यू हैव योर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा होता है। उस पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक पोस्टीरियर पार्ट होता है, एक एंटीरियर पार्ट होता है। सो पोस्टीरियर पार्ट को हम नहीं देख रहे, हाइपोथैलेमस से सिग्नल आते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में। एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड फिर कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है जो गोनेड्स के ऊपर जाकर काम करते हैं। उन हार्मोन में पहला हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है एंड सेकेंड हार्मोन इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं? जाकर गुनेड्स के ऊपर काम करते हैं। गुनेड्स को इंस्ट्रक्शन मिलती हैं इन हार्मोन्स की वजह से और फिर गुनेड्स अपने हार्मोन सिक्रीट करते हैं। सो बेसिकली अगर हम देखें तो ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है वो इन्वॉल्व है इन द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। इट स्टिमुलेट द लेडिक सेल्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है, लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन शुरू कर देता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जहाँ पर हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं करवा रहा, ये मेल के अंदर क्या कर रहा होता है? स्पर्म सेल की प्रोडक्शन करवा रहा होता है। ओके, मेल हार्मोन सिक्रीट हो चुका है जैसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, इसके फंक्शंस को स्टडी करते हैं। बिफोर बर्थ भी ये हार्मोन थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है, तो बिफोर बर्थ ये हार्मोन क्या कर रहा होता है? जो मेल होते हैं यानी जिनके अंदर एक्स वाई का कंपोजिशन आता है, जो कि मेल होगा एक्स वाई क्रोमोसोम वाला, तो उनके अंदर क्या होगा? बिफोर बर्थ इट प्रोमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट में टेस्टोस्टेरोन बिफोर बर्थ हेल्प करता है। अब बेबी बॉर्न हो चुका है, अब वो ग्रो कर रहा है, तो प्यूबर्टी तक उसका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो बहुत कम होता है या ना होने के बराबर होता है। बट जब वो प्यूबर्टी को अचीव करता है सो काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस आती हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड LH हार्मोन सिक्रीट करना शुरू करता है। LH हार्मोन क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाता है फ्रॉम टेस्टिस। टेस्टोस्टेरोन जब प्रोड्यूस होता है तो प्यूबर्टी के बाद क्या होता है? मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं। सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स यानी उसका जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसकी ग्रोथ होने लगती है, उसका साइज बड़ा होने लगता है, उसकी हाइट बड़ी होने लगती है, उसकी वॉइस चेंज होने लगती है, उसके प्यूबिक हेयर के जो पैटर्न हैं वो स्पेसिफिक टाइप के प्यूबिक हेयर निकलना शुरू हो जाते हैं, बाल निकलना, दाढ़ी निकलना, ये सारे फंक्शन आ जाते हैं अंडर कंट्रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, सो हेयर आई मेंशन इंक्रीज मसल एंड बोन मास, चेंज ऑफ वॉइस, हेयर ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन, ये सारे फिनोमेनास फिर टेस्टोस्टेरोन की वजह से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मेल गुनेड कॉल्ड टेस्टिस। अब फीमेल गुनेड ओवरीज की तरफ चलते हैं। फीमेल के अंदर पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं बट दे आर प्रेजेंट इन साइड द एबडोमिनल कैविटी। ठीक है, पेट के अंदर नीचे यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं ओवरीज और ये वाली जो स्ट्रक्चर है
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। हेयर फीमेल हैव यूटेरस, मेल के अंदर यूटेरस नहीं होता, और दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलोपियन ट्यूब, और ईच फिलोपियन ट्यूब के नीचे ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। सो दिस इज वन ओवरी, दिस इज टू ओवरी, सेकेंड ओवरी। सो पेयर ऑफ ओवरीज फीमेल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सो दिस इज ओवरी। ओके, सो फीमेल गोनैड क्या हुआ? ये छोटा सा, छोटी सी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, छोटा सा ऑर्गन है जिसे ओवरी कहा जाता है, या ग्लैंड आप इसे कह सकते हैं। ओवरी, ओवरी क्या कर रही है? कुछ हार्मोन सिक्रीट कर रही है फीमेल की बॉडी के अंदर, और वो हार्मोन्स क्या क्या हैं? ओवरी से सिक्रीट होते हैं जी, पहला हार्मोन आ जाता है एस्ट्रोजन। कौन सा? एस्ट्रोजन। और सेकंड हार्मोन आ जाता है प्रोजेस्ट्रॉन। मेल टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कर रहा है, फीमेल दो हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, फीमेल की ओवरीज जो हैं वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, एंड डेफिनेटली ये हार्मोन्स भी अंडर स्टिमुलेशन आ जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग और FSH हार्मोन रिलीज होगा, तो फीमेल के अंदर ये हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को पहले देखते हैं, ल्यूटिनाइजिंग और बल्कि टुगेदर देख लेते हैं, ल्यूटिनाइजिंग और FSH हार्मोन्स दोनों जाकर एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? ये दोनों हार्मोन्स स्टिमुलेट करते हैं ओवरीज को टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन जब प्रोड्यूस होता है तो ओवरीज में जो एग है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है, उसमें मियोसिस शुरू हो जाती है, या फॉलिकल जो है वो मेच्योर होना शुरू हो जाता है, एग मेच्योर होना शुरू हो जाता है बेसिकली। ओके, सो एस्ट्रोजन की अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो ओवरीज के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें कहा जाता है फोलिकल सेल्स। क्या कहा जाता है? फोलिकल सेल्स, या सेकंड नाम इनका आ जाता है ग्रैन्यूलोसा सेल्स, ग्रैन्यूलोसा सेल्स। और सेकंड हार्मोन क्या आ जाता है? प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है? ये कहाँ से रिलीज हो रहा है? ये बेसिकली ये जो ग्रैन्यूलोसा सेल्स हैं ये मॉडिफाई होकर बन जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। ये वाली टर्मिनोलॉजीज आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बार बार सुनने को मिलेंगी। सो कॉर्पस ल्यूटियम फिर क्या करते हैं? प्रोजेस्ट्रॉन की प्रोडक्शन करते हैं। ओके, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन की प्रोडक्शन हो रही होती है ओवरी से। अब देखते हैं ये हार्मोन्स फीमेल की बॉडी के अंदर क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो पहले एस्ट्रोजन को देखते हैं। एस्ट्रोजन पहले तो इन्वॉल्व होगा इन सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स, यानी फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स बिल्ड होते हैं वो, उनके अंदर कौन इन्वॉल्व है? एस्ट्रोजन इन्वॉल्व है, यानी फीमेल की ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, उनकी वो वॉइस जो है वो पतली होती है, उनके प्यूबिक हेयर का पैटर्न डिफरेंट होता है, कम हेयर होते हैं, और ये सारे करेक्टर्स कौन कंट्रोल कर रहे होते हैं? कौन कंट्रोल कर रहा होता है? दीज करेक्टर्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट एंड इवन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्यूबिक हेयर, दीज ऑल प्रोसेसेस आर अंडर कंट्रोल ऑफ एस्ट्रोजन। सेकंड हार्मोन जो है वो प्रोजेस्ट्रॉन है फीमेल के अंदर। सो प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है? प्रिपरेशन करवा रहा होता है यूटरस को फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, क्योंकि अगर एग रिलीज हो जाता है जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से रिलीज होता है, एग रिलीज हो जाता है उसके बाद अगर उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उस फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनेगा डेफिनेटली। सो एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए यूटेरस को प्रिपेयर करने का काम प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का है। सो अगर प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन नहीं होगा तो वो एम्ब्रियो ग्रो नहीं कर पाएगा। सो बेसिकली प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन प्रिपेयर करवा रहा होता है यूटेरस को कि वो यहाँ पर प्रिपरेशन कर दे, ये यूटेरस की जो वाल है ये प्रिपेयर हो जाती है, और फिर यहाँ पर जो एग है जो अब एम्ब्रियो बन चुका है वो इम्प्लांट हो जाता है, और ये अब यहाँ से नरिशमेंट ले सकता है, खुराक ले सकता है। सो प्रोजेस्ट्रॉन का रिलीजेज बहुत ज़रूरी है जो कि रिलीज कर रहे होते हैं कॉर्पस ल्यूटियम के सेल्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। क्विकली रिव्यू कर लेते हैं, गोनेड्स हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप्स के होते हैं, मेल गोनेड एंड फीमेल गोनेड। मेल गोनेड्स को टेस्टिस कहा जाता है, पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं मेल्स के अंदर, और मेल से एक हार्मोन निकलता है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है? एक तो बिफोर बार ये प्रोडक्ट डिवेलपमेंट में हेल्पफुल होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, सेकंड ये प्यूबर्टी के टाइम पर ये क्या करेगा? सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स को कंट्रोल करेगा, इंक्रीज करेगा मसल एंड बोन मास को, चेंज ऑफ वॉइस को, हेयर ग्रोथ करवाएगा और ग्रोथ करवा रहा होगा सेक्शुअल ऑर्गन की।
ओके, फीमेल हार्मोन की अगर हम बात करें तो ओवरी से ये कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन बेसिकली फीमेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा होता है ये हार्मोन, और प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन करवा रहा होता है यूटरस की फॉर एम्ब्रियो टू डेवलप। और अगर एम्ब्रियो नहीं बनता तो ये प्रोजेस्टेरोन की रिलीजेज रुक जाती है, अगेन से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ये आगे हम डेफिनेटली रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिटेल से स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।